हेलो दोस्तों, मैं साजन कुमार, आपका वेलकम डबल एसएल गाइडर में। आज हम पार्ट एट के सवालात की तैयारी करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि डबल एसएल एग्ज़ाम्स की डेट आ चुकी है, सो डोंट वेस्ट द टाइम, लेट स्टार्ट द प्रिपरेशंस। क्वेश्चंस नंबर वन, रिपेयर रिक्वायर्ड इफ डोर गैस्केट आर डैश। योर ऑप्शन इज ए बी सी डी। योर राइट आंसर इज डी। क्वेश्चंस नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ फ्लैट बार टॉप साइड रेल नीड नॉट रिपेयर। ऑप्शन इज वन, 10 to 20 millimeter डीप, टू, 21 to 25 millimeter डीप, थ्री, 26 to 35 millimeter डीप, 4, 36 to 40 millimeter deep. Your option is A, B, C, D. Your right answer is A, 10 to 20 millimeter deep and 21 to 25 millimeter deep. Questions number 3. Which of the following items should be considered as wear? Your option is A, B, C, D. Your right answer is B, roots of plywood. Questions number 4. On which condition damage on owner marking should be repaired? Your option is A, B, C, D. Your right answer is B, cut. Questions number 5. Which should be considered as handling damage? Your option is A, B, C, D. Your right answer is A, floor delamination due to excess moisture. Questions number 6. Which of the following parts should be inspected if the container just come back from Ali's? Your option is 1. Corner post, 2. Corner fitting, 3. Flooring. Your option is A, B, C, D. Your right answer is C, all of them. Questions number 7. How many types of defects may be found in container? Your option is A, B, C, D. Your right answer is A, 3 types. Questions number 8. The defect found on a ventilator cover should not be repaired except of the flooring. Your option is A, B, C, D. Your right answer is Your right answer is C, hole. Questions number 9. Which of the following defect on a door assembly should not be repaired according to double ISL recommendations? Your option is A, B, C, D. Option is D. Questions number 10.
विच पार्ट ऑफ द कंटेनर विद द डिफेक्ट हैज ब्लो शुड बी रिपेयर्ड? ऑप्शन इज ए, बी, सी, डी. योर राइट आंसर इज बी, वुडन फ्लोरिंग स्प्लेंटर्स. क्वेश्चन नंबर 11. द फ्लोइंग पार्ट ऑफ द कंटेनर शुड बी रिपेयर एक्सेप्ट. योर ऑप्शन इज ए, बी, सी, डी. योर राइट आंसर इज डी, लैशिंग फिटिंग्स बेंड 35 mm इनटू द कंटेनर. आई होप यू नोट डाउन ऑल द क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स. क्वेश्चंस नंबर 12. टू कंटेनर बोर्ड हैव डेंट ऑन द अपोजिट साइड पैनल. वन, हैज द डेंट 36 mm एंड 20 mm डीप. सेकंड, हैज डेंट 25 mm एंड 26 mm डीप. विच कंटेनर शुड हैव इट बोर्ड साइड रिक्वायर्ड? योर ऑप्शन इज ए, बी, सी, डी. योर राइट आंसर इज बी, टू ओनली. हैज डेंट 25 एंड 26 mm डीप. क्वेश्चंस नंबर 13. विच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट शुड बी इंस्पेक्टेड ऑन बोथ ओकेशंस व्हेन द कंटेनर इज इनबाउंड और आउटबाउंड? योर ऑप्शन इज वन, कॉर्नर पोस्ट, टू, डोर सील, थ्री, डिकॉल्स एंड मार्किंग, नंबर फोर, वुडन. योर ऑप्शन इज ए, बी, सी, डी. योर राइट आंसर इज डी, वन, टू, थ्री एंड फोर, ऑल ऑफ देम. क्वेश्चंस नंबर 14. डेंट ऑन फ्रंट एंड साइड पैनल इफ इंटीरियर डायमेंशन ऑफ कंटेनर आर रिड्यूस्ड बाय डैश इट शुड बी रिपेयर्ड. योर ऑप्शन इज वन, 40 mm, टू, 25 mm, थ्री, 15 mm, फोर, 20 mm. योर ऑप्शन इज ए, बी, सी, डी. योर राइट आंसर इज डी, नॉन ऑफ देम. क्वेश्चंस नंबर 15. आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी. सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर फ्रेंड्स. ओके, आपके लाइक करने से मुझे भी हौसला मिलेगा ताकि हाँ आपको वीडियो अच्छी लग रही है, ताकि मैं जल्द से जल्द और वीडियो बनाऊँ और आपको अपडेट करता रहूँ. क्वेश्चन नंबर 15. फॉर ऑल कॉर्नर पोस्ट फ्रंट एंड रियर विच ऑफ द फ्लोइंग कंडीशंस नीड नॉट रिपेयर इफ टू और मोर डेंट ऑन अ सिंगल पोस्ट एंड रिगार्डलेस ऑफ लेंथ और लोकेशन इफ ईच इज. योर ऑप्शन इज वन, 5 mm डीप, टू, 15 mm डीप, थ्री, 20 mm डीप, फोर, 30 mm डीप, फाइव, 40 mm डीप. योर ऑप्शन इज ए, बी, सी, डी. योर राइट आंसर इज ए, वन एंड टू, 5 mm डीप एंड 15 mm डीप. आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी. प्लीज शेयर योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी हेल्प हो सके. तो इसी तरह किसी ने खूब कहा है, कर भला तो हो भला. तो आप भी किसी के लिए अच्छा सोचे तो आपके साथ भी अच्छा होगा. और प्लीज़ डोंट फॉरगेट ऑल द क्वेश्चंस, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशंस.
नोट डाउन ऑल द क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स एंड ट्राई टू बी लर्न मोर. ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.